सत श्रीकाल, तुसी डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो ते पंजाब दे लोकां वास्ते जे कहिए कि चंगी खबर या फिर जे कहिए कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी मंजूर की गई है नवे जिहड़ी आउंदे सीजन दे वास्ते तां उहदे विच पंजाब च शराब नहीं महंगी हो रही, ये मनप्रीत बादल ने कहा, वित्त मंत्री ने पंजाब दे अज कैबिनेट की काफ़ी अहम मीटिंग हुई सी, उहदे विच एक्साइज पॉलिसी नूं लैके गल्लां होईयां ने। नाल ही उन्होंने भी दस्सदा है कि 7,002 करोड़ रुपए की जिहड़ी इह पॉलिसी नूं मंजूरी दित्ती गई, यानी कि उम्मीद है कि इन्ने पैसे आउणगे सूबे नूं, ते नालों नाल राहतां दित्तियां गईयां ने। उल्टा उन्होंने कहा है कि 20% पहलां नालों बढ़ोतरी हुई है, हालांकि असीं किसी चीज़ के रेट नहीं वधाए हैगे क्योंकि नज़र हमेशा यह रहिंदी है, क्योंकि करोना करके लगता सीगा कि शराब महंगी ना हो जाए। नालों नाल उन्होंने भी गल कही है कि जिहड़ा 20% हैगा वह इजाफा होया, तो नालों नाल जिहड़ी रेस्टोरेंट बार होटल दे फीस है वह 30% घटाती है, मैरिज पैलसां दी 20% घटाती है। तो बाकी आप सुनो तुसी कि किस तरह के नाल उन्होंने तमाम जिहड़ा पॉलिसी का ब्यौरा दिता है, नालों नाल उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाई गई है तो तमाम चीज़ा उहदे विच देखियां गईयां ने। तुसी आप सुनो कि नवीं पॉलिसी दे विच की कुछ रहने वाला है। अज मैं नुकता प्रेस के सामने शेयर करना चाहुंदा सी कि अज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई और अगले साल की जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है उहदी भी कैबिनेट ने अप्रूवल देती है, और इस साल पिछले साल जिहड़ा टोटल कलैक्शन हुई सी 5,794 करोड़ सी, मतलब मोटा मोटा 5,800 करोड़, और उस तो पहला साल नालों 15% का इजाफा होया है। ये साल क्लोज नहीं होया, हो सकता है इतों बेहतर परफॉर्मेंस आवे, पर जिहड़ी कैबिनेट ने अगले साल की पॉलिसी मंजूर की है वह 7,002 करोड़ रुपए की है, जिहड़ा कि जिहड़ा रवां साल है इहदे नालों 20% का इजाफा है। इस दे नाल नाल ही यह भी अप्रूवल आई है कि क्योंकि इस साल बीमारी की वजह नाल या अगले साल भी हो सकता है इहदा इफेक्ट आवे, जिहड़े रेस्टोरेंट्स होटल बार हैगे उन्हां दा जो फिक्स लाइसेंस फी हुंदी है वो 30% असी कटाती है। इसे तरह मैरिज पैलेसेस जिहड़े सीगे, मैरिज पैलेस भी क्योंकि बुकिंग्स घट गईयां सी अगेन बीमारी की वजह नाल, तां मैरिज पैलेसेस दे जिहड़े लाइसेंस लैणा पैंदा, एन्यूअल लाइसेंस हर साल एक लाइसेंस रिन्यू कराना पैंदा, उहदे विच भी 20% दी कैबिनेट ने कमतरी प्रपोज कीती है। और बाकी जिहड़े लिकर दे रेट्स है, भावे वह पंजाब PMFL है, MFL है, बीयर है, उन्होंने रेट दे विच कोई इजाफा जिहड़ा है वो नहीं होएगा। सो ये मोटे मोटे जिहड़े है एक्साइज पॉलिसी के नुकते है, 20% इनक्रीज है रेवन्यू दे विच, और होटल ते मैरिज पैलेसिस वास्ते थोड़ी जी छोट दिती है, और ये तकरीबन 7,002 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। पंजाब नूं आम तौर पर एक्साइज पॉलिसी च देखना पैंदा है कि जिस तरह के नाल पंजाब च शराब महंगी हुंदी आ, चंडीगढ़ हरियाणे च सस्ती हुंदी आ, ओह हुण कटाई किवें जावे। हालांकि तुहानूं शायद याद होवे कि हुण तो काफ़ी समा पहला एक कमेटी बनाई गई सी जिहदे विच हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ सी, ते तालमेल बिठाया जा रहा सीगा कि आखिरकार रेट इक्को जिहे होण दोनों तिने स्टेटां दे, जिहदे नाल फर्क इह पै जूगा कि माफिया नहीं खड़ा होगा। मनप्रीत बादल ने एक बार फिर तो इहदा जिक्र करिया, ते नाले उन्होंने कहा कि वह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि करोना काल लंघ गया तो पूरा साल लंघ गया, उहदे विच कोई काम ज़्यादा नहीं हो सके हैगे, पर हुण दुबारे फिर कोशिश रहेगी कि माफिया ना खड़ा होवे, क्योंकि जदों रेटां दा डिफरेंस पैंदा तां उह हर किसी नूं नुकसान हुंदा, चाहे पंजाब दे क्यों ना कालू घट होवे, पर नुकसान सारयां नूं होणा है। तो इस नूं लैके भी उह जिहड़ी गल है जिहड़ी उह दोने जे कहीए चंडीगढ़ ते हरियाणे दे नाल कर रहे हैं ताकि रेट दा फर्क ना रहे। सब जिस तरह मैं कहा कि नेक ख्वाहिशात तो बहुत है, पर ये नेक ख्वाहिशात जिहड़ियां ये परवान चढ़दियां कि नहीं, और जे आपां अगले 8 साल 8% ग्रोथ जे इंडिया करूगा, 8% ग्रोथ GDP ग्रोथ करूगा, तो आपां उत्थे पहुंच सकांगे जिथे कोविड ने आपां नूं पकड़िया सी, नंबर वन। नंबर दो, जेड़ा इन्होंने टोटल लॉकडाउन करता और लॉकडाउन नाल जेड़ी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और खास करके जेड़ी ह्यूमन कॉस्ट आई, लेबर नू पैरी तुर के जेड़ा यूपी ते बिहार जाना पिया,
और उस लेबर वास्ते भी इस बजट च मैनू कुछ नहीं दसिया। सो कहण दा मतलब है कि कोविड क्राइसिस नू जिवें टैकल कीता उन्होंने साडी इकोनमी नू काफी काफी हिट पाती है और जिथों आपां चले सी उत्थे पहुंचण वास्ते आपां नू 8 साल जे लगणगे। बिल्कुल जे इन्नी वधी है एक तां क्योंकि आ जिहड़े हुण तुहानूं आंकड़े दिख रहे है इह पिछले महीनियां दे दिख रहे है और इहदे च और खास करके जिहड़ा फेस्टिवल सीजन गया इहदे च उहदे भी आंकड़े आए। तो इह इहनूं आपां थर्मामीटर ना मन्नीए कि इहदे नाल इकोनमी जिहड़ी है पिकअप हो गई है और असीं आस करांगे कि जिहड़ा कॉम्पनसेशन सैस है उहदे च क्योंकि पैसे आणगे और जिन्नी जल्दी ये साडा निपटा देंगे क्योंकि अजे तो साडियां पेमेंट अजे बहुत ओवरड्यू रहिंदी है। और मैं अज खैर क्योंकि बजट ते गल कर रहे हैं पर मैं गिला इस गल दा भी मैनू रंज है इस गल दा कि जिहड़ा साडी रूरल डिवेलपमेंट फी जिहड़ी 3% सी इन्हां ने 3% की बजाय 1% रिलीज कीती है। सो 1% का मतलब तकरीबन 400 करोड़ बनता है 800 करोड़ रुपया जिहड़ा है ये पंजाब दा इजे भी रखी बैठे आ और ये इजे तक उन्होंने कोई सानू कोई वजह नहीं दसी कि ये 800 करोड़ रुपया ये क्यों रोकया है ये किस कानून के तहत रोकया है क्योंकि जिहड़े स्टैचूटरी टैक्सेस हुंदे आ और ये पिछले 50 साल तो असीं लैंदे आए हैं और किस बिना ते रोक सकते हैं और ये जिहड़े टैक्स सीगे ये हाई कोर्ट दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी वेले चैलेंज भी किए सी। पंजाब जिहड़ा है हाई कोर्ट का मुकदमा जित चुका है वो पंजाब के हक च फैसला आ चुका है पर बावजूद उसते ये रोके हुए है। सो एज फाइनेंस मिनिस्टर मैनू इस गल का गिला है कि ये पंजाब दे नाल एक किस्म का मतरेई माँ वाला सलूक है और मैनू कई बार मेरे मन च और काश मैं गलत होवां मैं आई होप मैं गलत होवा मैनू लगता है कि यह सानू एक किस्म का जिन्हों कहते ना सानू सजा मिल रही है किसान एजिटेशन करके क्योंकि ये जिहड़ा किसान एजिटेशन है इहदी सरप्रस्ती के पंजाब के किसान कर रहे हैं तां मेरे मन च खदशा है और खौफ है कि इस वजह नाल ये साडे जिहड़े है पैसे इन्होंने रोके हुए और जे मैनू देण दी क्योंकि मैं अगला बजट बनाना है और जे मैनू यही नहीं पता कि मैनू 800 करोड़ रुपए मिलेगा कि नहीं तो मैं किस किस्म का बजट बनाऊंगा। और छोटे जे स्टेट वास्ते 800 करोड़ एक सीजन का अगले 2 महीनों में फिर साड़ी कणक की फसल आने वाली है जे उहदे च भी 800 करोड़ घट गया 1600 करोड़ तो काफ़ी रकम बन जाती है। और जेडे टैक्स होंगे मैं थोड़े सुनने वालों को याद करावा कि टैक्सा ते सब तो वड्डा अधिकार किस तबके का हुंदा है जिहड़ा सब तो ज्यादा गरीब हुंदा है। सो टैक्स जे तुसीं रोकदे हो किसी स्टेट का तुसीं स्टेट के किसी सरकार नूं नहीं तुसीं सजा दे रहे तुसीं जिहड़ा स्टेट का सब तो गरीब आदमी है उहनूं तुसीं सजा दे रहे। सर इस वेले पंजाब का तकरीबन 6000 करोड़ इजे पेंडिंग पर मैनू खुशी इस गल की है कि इस गल नूं उह तस्लीम करदे वी असीं थोड़ा देना है जे वह कह देंगे नहीं देना तो फिर असं की कर लेंगे। सो इस करके खुशी तो यह है चलो 6000 करोड़ है अज नहीं तो सवेरे सवेरे नहीं तो परसों मिल जाएगा ठीक है ये सानू क्योंकि जो पैसे नहीं मिलते तो सानू फिर व्याज से चकने पैंदे व्याज जिहड़ा महंगा हुंदा है और कई बार सो जे मौके सर मिल जाण तो आई चलाई जिहड़ी है ठीक चलती रहिंदी है। बिल्कुल और तुसी जे क्योंकि कई बार याददाश्त थोड़ी हुंदी है पिछले साल जिहड़ा असी एक्साइज का टारगेट बनाया सी वह दरअसल 6200 करोड़ बनाया सी पर क्योंकि कोविड की वजह ना करफ्यू लग्या रहा और काफ़ी महीने जिहड़े है वह एक भी बोतल शराब की जिहड़ी है पंजाब च वह विक नहीं पाई तो सानू ये रिवाइज करना पिया सी ते असी जिहड़ा टोटल रिवाइज किया सीगा वो तकरीबन 5300 करोड़ ते कीता सी बट क्योंकि
और तुसी देखिया होना ये गल प्रेस भी बड़ी उठी सी और क्योंकि प्रेस ने इन्नी चक्की फिर सरकार भी बड़ी हरकत च आ गई कि जिन्हें भी इलीगल जेडे कोई फैक्ट्रियां फड़िया गई कोई बंदे फड़े गए बड़ी लार्ज क्वांटिटी लिकर फड़िया गई तो जेड़ा साडा लिकर का कोटा सीगा और जेड़ा असी अपने तखमीने लाए सी भी असी 5300 करोड़ इस साल इकट्ठा करांगे असी 5300 करोड़ ज्यादा कर पाए क्योंकि पहली बार होया कि मिडवे जेडे ठेकेदार सीगे जेडे वेंडर सीगे उन्होंने फिर कोटे वधाए क्योंकि उन्हां दी जेडी सेल है वो वध गई सी और असी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लाइया और या पुलिस की एक पूरी बटालियन जी है वो एक्साइज नूं दित्ती हुई है इसे काम वास्ते कि जेडे ये माफियाज है या जेडे इस देश के दुश्मन है इन्हां नूं रोकिया जाए। मैं हाल ही विच गवर्नर पंजाब ते जेडे एडवाइजर यूटी है मैं उन्हां नाल भी गल की है कि चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी जी है हुण थोड़े दिनों च नशर होएगी और चंडीगढ़ जेड़ा है वह हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ क्योंकि असी तीन इस शहर के भागीदार हैं असी अपने लिकर के रेट्स जेड़े है वह इको जे अलाइन कर लिए जो चंडीगढ़ का हक है उन्होंने मिल जाए जो हरियाणा का हक है उन्होंने मिल जाए जो पंजाब का इहदे नाल दो नुकसान होंदे है। एक नुकसान यह होंदा है कि एक स्टेट नूं ज्यादा फायदा मिल जाता है समगलिंग जी हो जाती है दूजा होंदा कि जो तुसी ये रेट डिफरेंशियल करते हो चाहे वह पेट्रोल दे करते हो चाहे वह लिकर दे करते हो इहदे नाल माफिया खड़े हो जाते हैं और माफिया जेड़े है वह किसी भी स्टेट या किसी भी देश वास्ते माड़े होंगे। सो जो एज अ पॉलिसी मेकर जो तुसी पॉलिसी बनाने हो यह ना हो फर्ज कर लो पंजाब का ही रेट घट हो गया पंजाब नूं भावें बेनीफिट होवे पर पंजाब ये काम कदी नहीं करूगा क्योंकि वी विल नॉट वॉन्ट टू इनकरेज माफियाज फ्रॉम पंजाब इहदे नाल मसल पावर मनी पावर खड़ी हो जाती है जिहड़ी कि नुकसान दिंदी है। सर इस नूं लैके तुसीं तकरीबन 2-2.5 साल पहला एक कमेटी भी बनी सी तिना स्टेट्स दी विच इक एक्साइज पॉलिसी नूं लैके ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 2-3 ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ और बराबर रेट ना कोई उन्होंने भी लुधिया उन्होंने भी कोई नुकसान नहीं होगा सानू भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ कोटा बढ़ाया 12% मैं हाल ही विच गवर्नर पंजाब ते जेडे एडवाइजर यूटी है मैं उन्होंने भी गल की है कि चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी जी है हुण थोड़े दिनों च नशर होएगी और चंडीगढ़ जेड़ा है वह हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ क्योंकि असी तीन इस शहर के भागीदार हैं असी अपने लिकर के रेट्स जेड़े है वह इको जे अलाइन कर लिए जो चंडीगढ़ का हक है उन्होंने मिल जाए जो हरियाणा का हक है उन्होंने मिल जाए जो पंजाब का इहदे नाल दो नुकसान होंदे है। एक नुकसान यह होंदा है कि एक स्टेट नूं ज्यादा फायदा मिल जाता है समगलिंग जी हो जाती है दूजा होंदा कि जो तुसी ये रेट डिफरेंशियल करते हो चाहे वह पेट्रोल दे करते हो चाहे वह लिकर दे करते हो इहदे नाल माफिया खड़े हो जाते हैं और माफिया जेड़े है वह किसी भी स्टेट या किसी भी देश वास्ते माड़े होंगे। सो जो एज अ पॉलिसी मेकर जो तुसी पॉलिसी बनाने हो यह ना हो फर्ज कर लो पंजाब का ही रेट घट हो गया पंजाब नूं भावें बेनीफिट होवे पर पंजाब ये काम कदी नहीं करूगा क्योंकि वी विल नॉट वॉन्ट टू इनकरेज माफियाज फ्रॉम पंजाब इहदे नाल मसल पावर मनी पावर खड़ी हो जाती है जिहड़ी कि नुकसान दिंदी है। सर इस नूं लैके तुसीं तकरीबन 2-2.5 साल पहला एक कमेटी भी बनी सी तिना स्टेट्स दी विच इक एक्साइज पॉलिसी नूं लैके ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 2-3 ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
हाँ कोटा बताया 12%। कैबिनेट दे विच देखा जाए तो जिवें एक्साइज पॉलिसी नूं मंजूरी दे दित्ती गई है तो हुण देखना यह होगा कि अगे जिहड़ियां चीज़ां ने क्योंकि 30% रेस्टोरेंट होटल बारां दी फीस कटाई है तो 20% पैलसां दी कटाई है। एक चंगी खबर कह सकते हैं क्योंकि कोरोना काल दे चलदे स्लंप बहुत ज़्यादा रहा, बंद रहे ने ज़्यादातर, तक घाटा वड्डा देखण नूं मिलिया है इस सारे तबकियां नूं। तो नालों नाल शराब महंगी नहीं होगी, शराब दे शौकीनां वास्ते चंगी खबर है, पर जिस तरह के नाल शराब पंजाब च महंगी होंदी आ, चंडीगढ़ हरियाणा च सस्ती होंदी आ, हुण उह पूरे सनैरियो नूं तोड़न की कोशिश दे विच जे कहीए पंजाब सरकार लगी हुई आ। मनप्रीत बादल लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि असीं गल आ जिहड़ी अगे शुरू करती है, खैर देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि ये बड़ा वड्डा एक नुकता हैगा हमेशा ही पंजाब दे एक्साइज नूं जे कहीए कि घटा लगती आई है जदों गुआंढी सूबे या शहर दे विच जे कहीए राजधानी दे विच जदों शराब सस्ती होंदी है। खैर देखना होगा, ये पूरी प्रपोजल सिरे चढ़ती है, पर इन्ना कहा जा सकता रेट नहीं बदलेंगे शराब के। वीडियो जर्नलिस्ट विकास धमान के नाल समीत सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।